After that, failures. अब हम बात करते हैं failures की, कि आपकी transaction आपकी कहाँ कहाँ पे failures occur हो सकते हैं, किस टाइप के failures यहाँ पे occur हो सकते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे transaction से related, क्योंकि हमारा यहाँ पे main जो काम है वो transaction के बारे में ही बात हो रही है. First one is transaction failures. Logical errors आपके transaction में आ सकते हैं, कि आपने कोई internal error condition आपकी occur हो जाती है. सेकेंड इज सिस्टम एरर आपका हो सकता है. सिस्टम एरर कि आपका जो डाटाबेस सिस्टम है वो एक्टिव ट्रांजेक्शन से पहले ही कोई एरर कर दे, एरर है उसमें आ जाती है, लाइक डेडलॉक कंडीशन हमारी अक्कर हो जाती है कि ट्रांजेक्शन है आपका T1 एंड T2, इन दोनों को आपके ही इज़ वर्किंग ऑन वेरिएबल ए एंड हियर इज़ वर्किंग ऑन वेरिएबल बी. अब इसको भी इसका कुछ पार्ट डाटा चाहिए और इसको भी इसका कुछ डाटा चाहिए, तो यहाँ पर साइकिल एग्जिस्ट हो जाती है. दिस इज़ द मेन एग्जाम्पल ऑफ डेडलॉक. तो यहाँ पे आपका डेडलॉक टाइप का कोई एरर अक्कर हो जाता है, या यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन फेल हो जाती है आपकी, तो इस टाइप की कोई ट्रांजेक्शन में फेलियर आपका सिस्टम एरर अक्कर हो सकता है. सेकेंड इज एरर पैरामीटर वैल्यूज़, कि आपने जो पैरामीटर वैल्यूज़ आप फॉलो कर रहे हो आपके ट्रांजेक्शन में उनमें कुछ एरर हो. सेकेंड इज लॉजिकल प्रोग्रामिंग एरर, आपने जो ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम लिखा है आपके उस प्रोग्राम में कोई एरर है, आपने कोई फंक्शन है उसमें आपने कोई फंक्शन लिखने की आपकी जो भी लैंग्वेज आप फॉलो कर रहे हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसमें लिखने का जो कंटेंट है उसको आपने फॉलो नहीं किया, या आपके जो सिंटेक्स यूज हो रहे हैं उनको आपने फॉलो नहीं किया. सेकेंड इज यूज़र इंटरप्शन, कि आपके यूज़र की साइड से कोई इंटरप्शन अक्कर हो जाता है उस केस में आपका ट्रांजेक्शन फेलियर अक्कर हो सकता है. सेकेंड इज कॉन्करेंसी कंट्रोल इन्फोर्समेंट, आपकी कॉन्करेंसी कंट्रोल है उसमें आपका, कि आप कॉन्करेंसी को जब मेंटेन कर रहे हो तो कोई ऐसा स्टेप आपकी लाइक एसिड प्रॉपर्टीज़ है उसमें कोई प्रॉपर्टी आपकी वायलेट हो जाए तो आपका ट्रांजेक्शन फेलियर अक्कर हो जाए. तो इस टाइप से आपके दीज आर सम पॉइंट्स रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन फेलियर. आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट, सेकेंड फेलियर आपका मेलिशियस ट्रांजेक्शंस, कि आपके ट्रांजेक्शन के अंदर आपने कोई इस टाइप का फेलियर अक्कर हो जाए जिसमें आपका करप्टेड डाटा करप्ट हो रहा है. ओके, थर्ड वन इज सिस्टम क्रैश. सिस्टम क्रैश में सबसे बेस्ट एग्जांपल इज आवर पावर फेलियर, आपका हार्डवेयर फेलियर लाइक योर डिस्क, एग्जांपल डिस्क. नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर फेलियर, तो इस टाइप के कुछ आपके एरर्स जो सिस्टम से रिलेटेड हैं. देखिए यहाँ पे बात की गई है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन फेलियर में यहाँ पे बात की गई है सिस्टम रिलेटेड एरर्स की. ओके, ये एरर्स कब हो रही हैं, जब आप डाटाबेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हो. यहाँ पे जो एरर्स अक्कर हो रहे हैं आपके, ये एरर्स अक्कर हो रहे हैं जब आप ट्रांजेक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहे हो. ये एरर जो यहाँ पे सिस्टम क्रैश, ये जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन बात हो रही है, ये रिलेटेड बात हो रही है आपके सिस्टम से रिलेटेड, उसके हार्डवेयर से रिलेटेड, उसके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड. ओके, थर्ड वन इज यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, कि आपका जैसे मैंने एग्जांपल दिया डिस्क का एग्जांपल, आपके डिस्क है वो करप्टेड हो जाए जिसके कारण आपका सिस्टम है वो काम करना बंद कर दे. ठीक है, यहाँ पे जैसे नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज कॉन्टेंट्स आर अज्यूम टू बी नॉट बी करप्टेड बाई सिस्टम क्रैश. आपका कुछ लोगों को ये डाउट रह जाता है इसलिए मैंने ये पॉइंट डाल दिया था एडिशनल. डाटाबेस सिस्टम हैव न्यूमरस इंटीग्रिटी चेक्स टू प्रिवेंट करप्शन ऑफ डिस्क डाटा. ओके, एंड लास्ट वन, यहाँ पे हमने बात की डिस्क फेलियर, ये मैंने एग्जांपल यहाँ पे ऑलरेडी डाल दिया था आपका हार्डवेयर रिलेटेड, इसको मैंने अलग से भी लिखा है कि डिस्क में आपका कैसे फेलियर्स अक्कर हो सकते हैं. यहाँ पे हम बात करें डिस्क फेलियर में, तो आपका डिस्क जब रन करती है तो उसमें आपके हेड की मूवमेंट होती है. आप किसी भी ब्लॉक के डाटा को, किसी भी सेक्टर के डाटा को यदि रीड करना चाहते हो तो आपके डिस्क के हेड को आपको उस पर्टिकुलर सेक्टर पे मूव करना पड़ता है. तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाए, आपका हेड क्रैश हो जाए, या फिर आपकी डिस्क में कोई आपका डिस्ट्रॉय हो जाए, या कोई पार्ट है डिस्क स्टोरेज का वो काम करना बंद कर दे. ठीक है, तो इस टाइप से आपके डिस्क फेलियर्स अक्कर हो सकते हैं. तो ये थे हमारे कुछ फेलियर्स. ओके, नेक्स्ट डाटाबेस रिकवरी. यहाँ पे हम बात करेंगे कि डाटाबेस रिकवरी आपकी किस कब कब की जा सकती है.
आपकी डाटाबेस रिकवरी में हमारे पास थ्री स्टेट्स होती हैं, थ्री स्टेट्स ऑफ डाटाबेस रिकवरी। ओके, फर्स्ट स्टेट में हम बात करें, दैट इज प्री कंडीशन। प्री कंडीशन कहती है कि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम द डाटाबेस इज इन अ कंसिस्टेंट स्टेट, कि आप किसी भी टाइप का सिस्टम फेलियर अकर होने से पहले आपका जो सिस्टम है उसके डाटाबेस को आपका जो डाटाबेस पार्ट है उसको आप एक ऐसी कंसिस्टेंट स्टेट में सेव करके रखें। कंसिस्टेंट स्टेट मीन्स आपके डाटाबेस को आप सेव करके रखें कि यदि कोई फेलियर आपका अकर हो जाए तो आप इस पर्टिकुलर स्टेट तक के डाटा को इजली रिकवर कर सकें। दैट आर प्री कंडीशंस मीन्स आपके फेलियर के आकर होने से पहले आप रिकवरी कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो मेन पार्ट इज आपके डाटाबेस को जब भी कोई आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, आपका ट्रांजेक्शन कोई भी आपने इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद आप यदि कमिट ऑपरेशन परफॉर्म करते हो मीन्स आपका जो ट्रांजेक्शन है उसके डाटा को आपने आपकी डिस्क में आपके सेकेंडरी स्टोरेज में परमानेंटली स्टोर कर दिया है, मीन्स टिल दैट पार्ट योर डाटाबेस इज इन द कंसिस्टेंट स्टेट। सेकेंड पार्ट इज कंडीशन। कंडीशन मीन्स कि आपका जब कोई फेलियर अकर हो जाता है तब आप क्या कंडीशन अप्लाई करें, किस टाइप से आप आपके सिस्टम फेलियर के साथ काम करें कि आप उस पार्ट पे रिकवरी कर सके ऑन द स्पॉट। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज पोस्ट कंडीशन। पोस्ट कंडीशन मीन्स कि आपके फेलियर के अकर होने के बाद ऑन द स्पॉट आप कोई कंडीशन नहीं कर पाए, लेकिन बाद में आप क्या कर सकते हो कि आपके डाटाबेस आपकी रिकवरी कर सके, आपके डाटाबेस की फेलियर के बाद। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपकी जैसे हमने बात की कंसिस्टेंट स्टेट की, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपका ये ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हो, और इस ट्रांजेक्शन की ये कंसिस्टेंट स्टेट है और इसके कुछ टाइम के बाद आपका यहाँ पे फेलियर अकर हो जाता है। तो पोस्ट कंडीशन कहता है कि इस फेलियर की रिकवरी आपको करनी है और इस रिकवरी में आपका जो डाटाबेस है उसको आप कंसिस्टेंट स्टेट तक दोबारा से रिस्टोर कर दीजिए। मीन्स आपको आपकी जो भी कंसिस्टेंट स्टेट थी उस कंसिस्टेंट स्टेट तक के डाटाबेस को आपको रिस्टोर कर देना है। ठीक है, रिस्टोर कर देना है जो भी डाटा आपके फेलियर से पहले आपके ट्रांजेक्शन के पास प्रेजेंट था, आपके ट्रांजेक्शन में प्रेजेंट था। दीज आर द मेन थ्री स्टेट्स ऑफ योर डाटाबेस रिकवरी। अब मैंने यहाँ पे भी इस पॉइंट को मेंशन कर दिया है, कमिट पॉइंट। जैसा मैंने आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दिया है, कंसिस्टेंट स्टेट में कमिट पॉइंट की आपकी रिकवरी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि कमिट पॉइंट ही हमें बताता है कि हमारा ट्रांजेक्शन कहाँ पे आपके डाटाबेस को परमानेंटली स्टोर कर रहा है। ओके, कमिट पॉइंट्स, एवरी ट्रांजेक्शन हैज अ कमिट पॉइंट। दिस इज द पॉइंट एंड ट्रांजेक्शन विच इज फिनिश्ड एंड ऑल द डाटाबेस मॉडिफिकेशन आर मेड परमानेंट पार्ट ऑफ द डाटाबेस। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं कि रिकवरी की डिफरेंट अप्रोचेस क्या होंगी। अप्रोच मीन्स कि आप किन वेज में आपकी रिकवरी कर सकते हो। ओके, जो इससे पहले हमने डिस्कस किया था, दीज आर द स्टेट्स, ये आपकी स्टेट्स थी रिकवरी की, डाटाबेस रिकवरी में आप कहाँ कहाँ पे आपके डाटाबेस को रिकवर कर सकते हो, क्या क्या कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पे है आपकी अप्रोच कि आप कैसे रिकवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहली जो अप्रोच है आपकी, दैट इज स्टील अप्रोच। स्टील अप्रोच में क्या होता है कि हमारा जो भी आपको पता है काम करते हैं हम डाटाबेस से रिलेटेड और इवन मेमोरी से रिलेटेड, उसमें आपकी कैश की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि आपका डाटा है वो मेन मेमोरी में होना चाहिए। जिस भी डाटा को आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी प्रोग्राम को जब इम्प्लीमेंट करते हो
तो उससे रिलेटेड जो भी डाटा, जो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सभी आपकी मेन मेमोरी में होनी चाहिए। आफ्टर दैट आपकी मेन मेमोरी से कुछ पार्ट को आप कैश मेमोरी में ट्रांसफ़र करते हो, और जो भी काम आपका होता है, आपका जो सीपीयू है वो कॉन्टेंट किससे करता है, आपकी कैश मेमोरी से। मीन्स सीपीयू ओनली एंड ओनली इंटरफेस विद द कैश मेमोरी, और कैश मेमोरी में ही आपका जो रीड एंड राइट, रीड प्लस अपडेट, जो भी आप काम करते हो, आपने कोई भी मॉडिफिकेशन किया, इस मॉडिफिकेशन को आप फिर आपकी मेन मेमोरी में लिखते हो, मेन मेमोरी में। और बिफोर रीडिंग, बिफोर आपकी कैश में भी सेम एज इज वर्क होता है लाइक योर मेमोरी, मेन मेमोरी, यहाँ पे भी आपका डाटा इन द फॉर्म ऑफ पेज होता है। तो आपने इस पेज पे काम किया और इस पेज पे आपने कोई मॉडिफिकेशन किया और इस पार्टिकुलर पेज को आप रिप्लेस करना चाहते हो विद अनदर पेज, तो यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन किया गया है उस मॉडिफिकेशन को आप मेन मेमोरी में करेंगे पहले, और फिर उसके बाद इस पार्टिकुलर पेज को रिप्लेस करते हो, ठीक है आपका ये जो पार्ट है, और फिर मेन मेमोरी से आप इस पेज को आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर राइट करते हो, आपकी डिस्क पे राइट करते हो, ठीक है। तो स्टील अप्रोच कहती है कि आपने जो कैश पेज अपडेट किया है किसी भी ट्रांजेक्शन द्वारा, उसको डिस्क पे राइट कर दीजिए बिफोर द ट्रांजेक्शन कमिट, बिफोर कमिट। स्टील अप्रोच आपको कमिट ऑपरेशन से पहले आपके ट्रांजेक्शन के साथ कैसे हैंडलिंग करनी है उसके बारे में बताता है, कि कैश पेज अपडेटेड बाय ए ट्रांजेक्शन कैन बी रिटर्न टू डिस्क बिफोर द ट्रांजेक्शन कमिट, कि जो भी पेज आपने यहाँ पे अपडेट किया है उस पेज को आप कमिट ऑपरेशन के पहले ही, अगर आपके इस पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन में कमिट ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो, उससे पहले ही उसको आपकी डिस्क पे सेव कर दीजिए। सेकेंड है नो स्टील अप्रोच। नो स्टील अप्रोच आपका जस्ट अपोजिट है स्टील अप्रोच से। नो स्टील अप्रोच कहता है कि आपने जो भी अपडेशन किया है उस अपडेशन को आपने तब तक डिस्क पे नहीं राइट करना है जब तक आपका ट्रांजेक्शन है उसको कमिट नहीं कर दें, उसको कमिट नहीं करेगा। मीन्स आपके इस ट्रांजेक्शन कमिट ऑपरेशन से पहले, आपको इस कमिट ऑपरेशन से पहले आपके डिस्क पे कोई भी डाटा है उसको राइट नहीं करना है, कैन नॉट राइट, ओके, कैन नॉट राइट। और स्टील अप्रोच कहता है कि इस कमिट ऑपरेशन से पहले ही आप यहां पे राइट कीजिए, इस कमिट ऑपरेशन से पहले आपका ट्रांजेक्शन कमिट करे उससे पहले ही आप आपके पेज को आपकी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर दीजिए, दैट इज स्टील अप्रोच। एंड नो स्टील अप्रोच इज आफ्टर कमिट ऑपरेशन यू राइट योर डाटाबेस और कैश पेज इनटू द सेकेंडरी मेमोरी। अब इस पार्ट का एडवांटेज क्या है, नो स्टील अप्रोच की आपकी एडवांटेज क्या है, कि आपने जो काम किया उस काम को आपने कमिट ऑपरेशन के कारण परमानेंटली स्टोर कर दिया है। आपने क्या किया उसका, परमानेंटली स्टोरेज कर दी, उसको परमानेंटली सेव किया है आपके उस काम को, ठीक है, जिसके कारण आपकी इस कंसिस्टेंट स्टेट ऑफ डाटा तक आप इजिली रिकवरी कर पाएंगे। अगर कोई फेलियर अक्कर होता है तो आप यहाँ तक इजिली आपके डाटाबेस को रिकवर कर सकते हो, दैट इज नो स्टील अप्रोच। आफ्टर दैट फोर्स अप्रोच। फोर्स नाम से पता चल रहा है, फोर्स, ओके, कि जबरदस्ती आपको कुछ करना है। जब भी आपका ट्रांजेक्शन कमिट करें, जितने भी पेज आपके ट्रांजेक्शन ने अपडेट किए हैं उनको इमीडिएटली आपकी डिस्क पे राइट कर दीजिए, ओके, आपके ट्रांजेक्शन में जो भी आपने कमिट ऑपरेशन किया और यहाँ तक इस कमिट ऑपरेशन तक जितने भी पेज आपने अपडेट किए हैं उन सभी पेज को इमीडिएटली आपकी डिस्क पे राइट करना है। इमीडिएटली मीन्स यहाँ पे आपको जबरदस्ती फोर्सफुली कोई काम करना है, ठीक है। एंड लास्ट वन फोर्थ, फोर्थ इज अपोजिट ऑफ योर
फोर्स मेथड, नो फोर्स अप्रोच ये कह रहा है कि नॉट इमीडिएटली, आप इमीडिएटली मत कीजिए, आप इमीडिएटली मत कीजिए जब तक आपकी कैश का पेज रिप्लेसमेंट नहीं होता है, ठीक है, आपकी कैश में पेज रिप्लेसमेंट नहीं हो रही है तब तक आप अपने उस पेज को आपकी कैश के अंदर स्टोर रख सकते हो। अगर कैश का पेज रिप्लेसमेंट हो रहा है तो आप यहाँ पे आपकी कैश कोहरेंस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी आपकी अप्रोचेज है उनको आपको फॉलो करना है। या तो आप यहाँ पे राइट थोरो अप्रोच को फॉलो कीजिए या राइट बैक पॉलिसी को यूज़ कीजिए, राइट बैक पॉलिसी को यूज़ कीजिए, ओके। और आपके पेज को तब आपको स्टोर करना है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में, नॉट इमीडिएटली। फोर्स अप्रोच सेइंग इमीडिएटली, इमीडिएटली कीजिए, एंड नो फोर्स अप्रोच इज सेइंग नॉट इमीडिएटली, ओके। टिल पेज रिप्लेसमेंट ऑफ योर कैश, आप अपने उस पेज को आपकी कैश मेमोरी में रख सकते हो। तो ये है हमारी कुछ रिकवरी अप्रोचेस, रिकवरी अप्रोचेस